सिर्फ 23 साल की उम्र में बने 30,000 करोड़ के मालिक, उनके जैसे और कई ऐसे बिलियनर्स हैं जो इतनी छोटी उम्र में बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं, जिनकी इनकम के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मैं लेके आया हूँ 10 ऐसे बिलियनर्स जिन्होंने कमाए हजारों करोड़, तो उनके बारे में जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर आपको जानना है इंडिया की 10 सबसे अमीर महिलाएं कौन है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं नितिन कामत। इन्होंने 2010 में ज़ेरोडा को फाउंड किया था, जो एक डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है जिसके 5 मिलियन से ज्यादा क्लाइंट है। पेशे से वे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और अभी ज़ेरोडा के सीईओ है। इनकी नेटवर्थ 25,600 करोड़ है। दूसरे नंबर पे है विजय शेखर शर्मा, जिन्होंने पेटीएम की शुरुआत की है, जो अपने कॉलेज के समय वेबसाइट बेचा करते थे। पेटीएम से पहले इन्होंने बहुत सारे एप्लीकेशन फाउंड किए हैं। 2020 में फोर्ब्स के अनुसार इंडिया के सबसे अमीर लिस्ट में विजय 62 रैंक पे थे, जिनकी नेटवर्थ 18,900 करोड़ है। तीसरे नंबर पे है दिव्यांग तुराकिया, जिनके पास 12,500 करोड़ की नेटवर्थ है, जिन्होंने अपने 8 साल की उम्र से ही कोडिंग की शुरुआत की थी। ये media.net के फाउंडर है, जिन्होंने चाइनीज इन्वेस्टर को $900 मिलियन में बेच दिया था, और नए ओनर के साथ आज भी वे इस media.net को चलाते हैं। चौथे नंबर पे निखिल कामत, जो नितिन कामत के भाई है। इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर ज़ेरोडा की शुरुआत की है और आज इनकी नेटवर्थ 11,100 करोड़ है। पांचवें नंबर पे बिनी बंसल, जिन्होंने फ्लिपकार्ट की शुरुआत की है, जो अपने शुरुआत के समय अमेजोन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करते थे, और आज वे कई बड़े बड़े कंपनी के बोर्ड एडवाइजर हैं, जिनकी नेटवर्थ 8,848 करोड़ है। छठे नंबर पे सचिन बंसल, जिन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर फ्लिपकार्ट की शुरुआत की है, जिसे 2018 में वॉलमार्ट ने खरीद लिया था, और हाल ही इन्होंने नावी की शुरुआत की है, जो सबको इजीली फाइनेंस देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी नेटवर्थ भी 8,400 करोड़ है। सातवें नंबर पर भविष्य अग्रवाल, जिन्होंने ओला कैब्स की शुरुआत की है और आज वे ओला कैब्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जिनकी नेटवर्थ 7,500 करोड़ है, और आज भी वे बहुत सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। आठवें नंबर पर रितेश अग्रवाल, जो एक कॉलेज ड्रॉप आउट है, जिन्होंने 20 साल की उम्र में ही ओयो रूम्स नामक बिजनेस की शुरुआत की थी, जिनकी नेटवर्थ 4,672 करोड़ है। नौवें नंबर पे अंकित भाटी, जिन्होंने भविष अग्रवाल के साथ मिलकर ओला कैब्स की शुरुआत की है, जो ओला कैब्स के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने नए सॉफ्टवेयर एमनिक की शुरुआत की, जो एक सर्विस स्टार्टअप है। दसवें नंबर पे दीपेंद्र गोयल, जिन्होंने जोमेटो की शुरुआत की है, जिनकी नेटवर्थ 2,300 करोड़ है। शुरुआत के समय जोमेटो का नाम फूडी बे रखा गया था, जो एक फूड डिलीवरी सर्विस है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल समथिंग न्यू को सब्सक्राइब कीजिए।